आज मैं आपके सामने एक फिर से नया टॉपिक लेके आई हूँ। द टॉपिक नेम इज हाउ टू लर्न वर्ड्स एंड वोकैबुलरी इन इजी वे। जी हाँ, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से बोला था कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, तो कुछ लोगों ने मेरे से बोला कि वर्ड्स लर्न नहीं होते, लर्न होते तो भूल जाते हैं और ज़्यादा दिन तक याद नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ता है वर्ड्स को लर्न करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँ जो कि बहुत ही यूजफुल हो। ये ट्रिक्स मैंने भी फॉलो करी हैं जिससे कि आप लोगों को इजी वे में आपको लर्न और वोकैबुलरी वर्ड्स लर्न हो जाए। जी हाँ, ये ट्रिक्स मैंने खुद डियर सर से सीखी है, जिनका खुद डियर सर से नाम का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने मुझे ये ट्रिक्स उनसे मैंने ये ट्रिक्स सीखी। तो मैंने सोचा कि ना आप लोग को भी ये ट्रिक्स बताऊँ जो कि बहुत ही यूजफुल है, मैंने खुद भी फॉलो किया है और काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। सो गाइस, बिना देरी करें हम अपने टॉपिक पे आते हैं। नंबर वन ट्रिक, ट्रिक का नाम है, ट्रिक का कोई नाम नहीं है, सॉरी। जी हाँ, नंबर वन ट्रिक ये है कि कोई भी 10 वर्ड्स आप ले लीजिए, उसको 10 मिनट्स लर्न करिए। लर्न करने का मतलब रट्टा नहीं मारना, उसको समझिए उस वर्ड्स में है क्या, उसका मतलब समझिए और उसको 10 मिनट्स तक उसको बोलिए, तेज बोलिए। तो उसके बाद 10 मिनट बाद उसको आधे घंटे बाद रिवाइज करिए, आधे घंटे के बाद उसको 24 घंटे बाद रिवाइज करिए, 24 घंटे के बाद उसको 3 दिन बाद रिवाइज करिए, 3 दिन के बाद उसको 10 दिन बाद रिवाइज करिए और 10 दिन के बाद उसको 24 दिन बाद रिवाइज करिए। तो वो वर्ड्स हमेशा आपके लाइफ टाइम के लिए माइंड में बैठ जाएंगे, बिल्कुल डॉक्टर हो जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा लर्न रहेंगे। या इसी तरह 10 वर्ड्स करिए, 10 वर्ड्स आपने मॉर्निंग में लर्न करिए, 10 वर्ड्स आपने आफ्टरनून में लर्न करिए, 10 वर्ड्स आपने इवनिंग में, नाइट में, इसी तरह करके आप डे बाय डे लर्न करिए और रिवाइज करिए। रट्टा बिल्कुल मत मारिए, उनको समझने की कोशिश करिए और 8 घंटे बाद रिवाइज करिए, फिर 10 घंटे बाद, सॉरी 8 घंटे बाद, फिर 24 घंटे के बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद और फिर 24 दिन बाद, तो आप हमेशा आपके दिमाग में वो वर्ड्स एंड वोकैबुलरी बैठेंगे। सेकंड ट्रिक है आप कोई भी वर्ड्स एंड वोकैबुलरी हिंदी में मत लर्न करिए, उसको इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करिए। मैंने भी आपको जितनी भी वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी बताई है इंग्लिश टू इंग्लिश ही बताई है, हिंदी में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है बट इंग्लिश में ही मैंने आपको लर्न कराया है, इंग्लिश में ही मैंने आपको वर्ड्स के दिए। आपको याद भी होगा मेरा एक वीडियो था जिसको, हाँ, जो कि वेरी रिलेटेड वीडियो था, एडवांस वर्ड्स थे उसमें। तो मैंने आपको बताया था वेरी टायर्ड का मैंने इंग्लिश में बताया था एग्जॉस्टेड, एक बार बताया था विवेसिस का मैंने इंग्लिश वर्ड दिया था मलासिस। तो इसी तरह आप जो भी इंग्लिश वोकैबुलरी उसको इंग्लिश में ही लर्न करें, हिंदी में लर्न करेंगे तो वो ज़्यादा टफ होगा, इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करेंगे तो वो इजी होगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि जितने भी आप वर्ड्स और वोकैबुलरी लर्न करिए उसको कोशिश करिए सेंटेंसेस में लाने में, सेंटेंसेस में बनाने के में, डेली रूटीन में लाने में, उनको अपने अपने लैंग्वेज में मिक्सअप करिए। जी हाँ, ज़बरदस्ती सेंटेंसेस बनाइए, ज़बरदस्ती उनको यूज़ करिए, घर पे अपने फ्रेंड से और अपने कलीग से, जिसको तो सोचना है सोचने दीजिए, लेकिन बट आपको तो लर्न करना है ना, आपको इम्प्रूव करना है ना, तो आप ऐसा करिए। तो ये भी एक ट्रिक है जिससे कि आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा और हमेशा लाइफ टाइम के लिए वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी लर्न होंगे। नेक्स्ट ट्रिक है निमोनिक्स। जी हाँ, एक तरीका एक मेंटल टूल भी है निमोनिक्स, जिसमें कि आप इमेजिन करते हैं, सीन क्रिएट करते हैं, एक इमोशंस होते हैं उसमें, तो उस तरह भी आप वर्ड्स और वोकैबुलरी को लर्न कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैंने आपको कुछ दिए थे, मैंने आपको स्पाइसेस रिलेटेड कुछ वर्ड्स और वोकैबुलरी बताए थे, जो कि उसमें से एक एग्जांपल दिया था एसाफेटिडा, एक वर्ड था एसाफेटिडा, एसाफेटिडा का मैंने आपको बताया था हींग। तो एसाफेटिडा एक टफ वर्ड था जो कि जल्दी टंग में आता नहीं था, माइंड में स्टक नहीं होता था, तो उसको आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल एसाफेटिडा, ऐसा फीका खाना तो विदाउट एसाफेटिडा ही बन सकता है। जी हाँ, बिना तड़के कहीं ऐसा फीका खाना बन सकता है, तो ऐसा फीका खाना विदाउट एसाफेटिडा ही बन सकता है। तो कितना मिलता जुलता है, पूरा एक सेंटेंस आपने बनाया कि ऐसा फीका खाना विदाउट एसाफेटिडा ही बन सकता है, तो ऐसा फीका खाना एसाफेटिडा कितना मैच कर रहा है, तो आप
इस तरह उसको लर्न कर सकते हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था लोकल क्राफ्ट थिंग्स, हाँ लोकल क्राफ्ट थिंग्स मैंने आपको बताया था, टूल एंड ट्रेवल्स जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था लोकल क्राफ्ट थिंग्स। तो आप उसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा उसमें इमोशंस डाल के आप उसको लर्न कर सकते हैं कि आई वेंट देयर, आई हैव सीन लोकल क्राफ्ट थिंग्स विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह करके भी आप वर्ड्स और वोकैबुलरी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है विजुअलाइजेशन। क्या विजुअलाइजेशन मीन्स बिल्कुल चीजों को स्टोरी के रूप में बना लेना। ये भी एक मेंटल टूल है जो स्टोरी क्रिएट करना। जैसे हमने 10 वर्ड्स ले लिए और 10 वर्ड्स में ही उसको स्टोरी के रूप में बना दिया, तो वो भी इस ट्रिक से भी आप बहुत ही जल्दी वोकैबुलरी लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ब्रेथ टेकिंग व्यूज, मैंने आपको ब्रेथ टेकिंग व्यूज आप मैंने वर्ड बताया था जो कि ब्यूटी से रिलेटेड, मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बताए थे, फ्रेजेस दिए थे, तो उसमें था ब्रेथ टेकिंग व्यूज। ब्रेथ टेकिंग व्यूज लाइक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव इनक्रेडिबल सीन। तो इस तरह आप सोच के इमेजिन करके स्टोरी बना के ब्रेथ टेकिंग व्यूज वर्ड यूज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक है डाइसेट। डाइसेट में क्या होता है कि आप वो वर्ड को तोड़ मरोड़ देते हैं। जी ये बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सेकंड फर्स्ट क्लास में है, थर्ड क्लास में है, उनमें बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। बहुत बड़े बड़े वर्ड होते हैं, इनकी मीनिंग होती है बड़ी बड़ी, तो उनको आप तोड़ के मरोड़ के बता सकते हैं। जस्ट लाइक हाँ नेग्लिजेंस भी आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था, एक मेरा टॉपिक था सॉरी से रिलेटेड, मैंने आपको कुछ वर्ड्स और वोकैबुलरी बताए थे, उसमें था फ्रेजेस बताए थे, उसमें था नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मीन्स लापरवाही, तो आपको इसको इंग्लिश में नहीं लर्न करना है। नेग्लिजेंस मीन्स केयरलेस एंड मिस्टेक करना, केयरलेस करना होना, मिस्टेक करना, तो उसको आप नेग्लिजेंस को तोड़ सकते हैं। नेग्लिजेंस इस तरह 3 पार्ट में तोड़ करके भी उनको लर्न कर सकते हैं। तो इस तरह आप वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी को लर्न कर सकते हैं, जो कि आपके माइंड में स्टिक कर जाएंगे और बिल्कुल इजिली बैठ जाएंगे, बहुत ही फटाफट लर्न होते जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ट्रिक्स जो कि मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, फटाफट इनको नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को भी कई बार देखते रहिएगा तो आपके माइंड में बैठ जाएगा और कहीं इसको नोट जोड़ कर लीजिए। देखिए नंबर 1, कोई भी वर्ड 10 वर्ड्स लीजिए जो कि आपको पहले 10 मिनट में आपको उसको लर्न करना है, रट्टा नहीं मारना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। 8 घंटे बाद उसको रिवाइज करना है, 24 घंटे बाद उसको रिवाइज करना है, फिर 30 दिन बाद उसको रिवाइज करना है, फिर 10 दिन बाद उसको रिवाइज करना, फिर 24 दिन बाद उसको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपके टंग में आ जाएगा, माइंड में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक मैंने बताई है कोई भी वर्ड्स और वोकैबुलरी इंग्लिश में से लर्न करिए, हिंदी में मत लर्न करिए, इंग्लिश में से लर्न करिए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक मैंने बताई है कि जितने भी वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी आप लर्न करिए वो आप अपने सेंटेंसेस में डालिए, जी हाँ सेंटेंसेस में डालिए और यूज करिए, कोशिश करिए कि वो डेली रूटीन में आप उनको लेके आइए और बार बार बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक मैंने बताई है आपको निमोनिक्स टूल मैंने बताया है, जो कि एक मेंटल टूल है जिसमें आप इमेजिन करिए और उसमें इमोशंस डालिए, थॉट्स होने चाहिए, तो उसे भी आप बहुत ही जल्दी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है विजुअलाइजेशन में स्टोरी बनाना, जी हाँ स्टोरी बना के लर्न करिए, 10 पार्ट्स ले लीजिए, उसकी स्टोरी बनाइए, उससे भी आप बहुत जल्दी लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है डाइसेट। डाइसेट में भी आप वर्ड को तोड़ के मरोड़ के छोटे स्टेप करके आप लर्न कर सकते हैं, तो उससे भी आप बहुत ही जल्दी लर्न कर लेंगे। तो ये थे हमारे कुछ ट्रिक्स, आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जब भी आप बेल आइकन प्रेस करेंगे आपको मेरा नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सो गाइस फटाफट सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट मैं जल्द से जल्द आपके सामने फिर से नया वीडियो लेकर आ जाऊंगी, तब तक बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।